प्रीव्यू। जहां तक लॉकडाउन का प्रश्न है तो प्रधानमंत्री का जल्दी में लिया गया फैसला, नोटबंदी कराया गया उनका ये फैसला है। बहरहाल उनके फैसले पर सब लोगों को अमल करना चाहिए और सख्ती से इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन इस लॉकडाउन से गरीबों में जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं उनसे उनके साथ काफ़ी परेशानी हो गई है। जबकि सरकार ने ऐलान किया है कि सबको 3 महीने का गल्ला फ्री दिया जाएगा, जिसमें कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, और आज 6 अप्रैल होने जा रहा है, अब तक किसी गल्ला किसी भी दुकान में बिहार शरीफ में किसी को पास नहीं आया है। लोग परेशान हैं, लिहाजा मैं चाहूँगा कि सरकार एक वक्त मुहैया करे और जल्द से जल्द गल्ला उनको मुहैया कराए ताकि कुछ राहत गरीबों को मिल सके। अभी जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है और लोगों को किस तरह रहना चाहिए सर? इसमें तो साफ तौर से सरकार ने भी ऐलान किया है कि सब अपने अपने घरों में रहें, और रहना भी चाहिए, जो कि अपनी रक्षा करना, अपना खुद हिफाजत कीजिएगा तो घर का भी सेवा हो जाएगा, समाज की भी सेवा हो जाएगा, देश का भी सेवा हो जाएगा। लिहाजा सब लोग अपने अपने घरों में मुकैद रहें और समाज का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और देश का भी ख्याल रखें। नालंदा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नालंदा की जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुश्किल घड़ी में, इस मोहलिक वबा से बचने के लिए सभी लोग अपने घर में लॉकडाउन रहें। अगर उनको किसी चीज़ के सामान की ज़रूरत है तो ऑनलाइन या फ़ोन नंबर सरकार ने सबके अखबार में निकाल दिया है, उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर करके सामान मंगवा लें। क्या नाम है? मोहम्मद कुदरतुल्ला, साबिक वार्ड काउंसिलर, दरगाह बिहार शरीफ।